हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग एक महत्वपूर्ण मुद्दे पे चर्चा करने आए हैं। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि अभी 2018 का रिजल्ट कल रात में डिक्लेयर किया गया और वो रिजल्ट बहुत कुछ बयां कर रहा है। मतलब वो रिजल्ट ये कह रहा है कि यदि हिंदी मीडियम से आपको टॉप पोस्ट पानी है, SDM, DSP, तो आपको कितने मार्क्स लेके आने होंगे। ध्यान देंगे दोस्तों, अगर हम लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के हिसाब से थोड़ा भी अपनी एक नज़रिया बनाते हैं तो हम लोग देखेंगे कि सारे जो वहाँ पे तुक्का सेट किए जाते हैं ना, वो बिना किसी आधार के होते हैं और उनका कोई हाथ पांव नहीं होता है। लोग ऐसा मान के चलते हैं कि जितना उनका नंबर आ रहा है या जितना उनके पड़ोसी का नंबर आ रहा है, कट ऑफ नियर अबाउट उतना ही जाएगा। आप अगर 2018 के पेपर के बाद से कट ऑफ मार्क्स पर चर्चा करेंगे तो लोग मान के चल रहे थे कि GS में जिनके 352-360 जा रहा है, उस बंदे को वो लोग SDM बना दे रहे थे। अब सोचिए, 350 से 360 इतने मार्क्स पाने वाले को सोशल मीडिया बना रही थी SDM। जबकि दोस्तों, हम लोग कुछ मुद्दे पे चर्चा करेंगे, आप लोग खुद समझ जाएंगे कि अपने को कितना GS में लेके आना है, कितना SA में लेके आना है। एक चीज थोड़ा ध्यान दीजिए दोस्तों, आइए हम लोग एक एक क्वेश्चन को सारा अंदाजा आप लोग लगाएंगे, हमको कुछ नहीं बोलना पड़ेगा। आपको 445 लेके आना है या 360 लेके आना है आपको टॉप पोस्ट पाने के लिए। ध्यान देंगे दोस्तों, एक दो किंचित पद आप PCS का छोड़ दीजिए तो सारे पोस्ट की कट ऑफ 910 के प्लस में है। जो भी अच्छी पोस्ट हैं उनकी कट ऑफ 910 के प्लस में है। SDM की कट ऑफ इस बार 952 है। इसी तरह से DSP की भी कट ऑफ आप मान के चलिए 930 के अराउंड है, कुछ कम बेसी होगा, आप एक फिगर मान के चलिए, क्योंकि हम एग्जैक्ट डाटा पे हमको चर्चा नहीं करना है, हमको कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे पे बात करना है दोस्तों। अब देखेंगे तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में फिर से रोना शुरू हो गया है, हिंदी मीडियम का ऐसा, हिंदी मीडियम का वैसा, हिंदी मीडियम को GS में नहीं मार्क्स मिल रहे हैं, हिंदी मीडियम को ऑप्शनल में नहीं मिल रहे हैं। असलियत क्या है? देखिए, कुछ तो असलियत है कि चलिए मानते हैं कि यार कि हिंदी मीडियम की राइटिंग स्पीड कम होती है, हिंदी मीडियम की कुछ और भी प्रॉब्लम से कॉपी इंग्लिश मीडियम का टीचर चेक कर रहा होगा, फिर भी कुछ समस्याएं हैं। समस्या क्या है दोस्तों, आइए हम लोग इस पर थोड़ा चर्चा करते हैं। चलिए आप लोग कुछ मुद्दे पे देख लीजिए, जरा ऑप्शनल को आप लोग फोकस करिए। आप लोग सोचें कि आप लोग जो ऑप्शनल लिए हैं उसका एक एवरेज मार्क्स निकालिए, तो आप देखेंगे कि 220 से 240 नंबर यही एवरेज मार्क्स है आपके ऑप्शनल का। जैसे मैं हिस्ट्री का निकाल के बताया हूं, तो मैं हिस्ट्री में इस बार का देख रहा हूं कि लोग 220 से लेके 235 के बीच में लटके हुए हैं। इस हिसाब से मेरा मानना है, हो सकता है कोई 245 भी पाया हो, बट मैं एक एवरेज मान के चल रहा हूं कि आप जो भी ऑप्शनल, जो लोग हिस्ट्री के हैं, जो लोग जियोग्राफी के हैं, जो लोग लिटरेचर के हैं, इस बार मार्क्स यही नाच रहे हैं, 220 से 245। इस बार लिटरेचर में जिनका संस्कृत लिटरेचर है उनकी चांदी कटी है, उनके मार्क्स 300 प्लस है। मैं दो लोगों का मार्क्स देख चुका हूं, एक अजय है जो कि पूर्व में PCS अधिकारी है, उनके मार्क्स भी 300 प्लस है, और एक और भी शख्स है जिनके 1008 मार्क्स आए हैं, 326 नंबर उनके संस्कृत लिटरेचर में आए हैं। ये दो एक्सेप्शनल केस है, इनको छोड़ दीजिए, बाकी आप थोड़ा सा चर्चा करिए। आप सोचेंगे कि चलिए मान के चलिए कि आपको GS में कितने हो, ऑप्शनल में कितने मार्क्स मिल जा रहे हैं, 245। मैं मिनिमा को नहीं, मैं मैक्सिमा मान के चलता हूं कि आप लोग की तैयारी इस 245 के लायक है, 220 के नहीं। आपकी स्किलिंग भी आपके पक्ष में है और आप 245 तक पहुंच जा रहे हैं। चलिए आप मान लीजिए कि ऑप्शनल में 245 आ गए। अब पिछले किसी भी साल का हिंदी और SA का एवरेज मार्क्स निकालिए, टॉपर्स का एवरेज मार्क्स निकालिए, टॉप 10 का आप लीजिए और हिंदी और SA के एवरेज मार्क्स जोड़िए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपको 200 से ज्यादा मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको 200 से ज्यादा मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब यह है कि टॉपर्स को भी हिंदी और SA मिला के 200 से ज्यादा मार्क्स नहीं आ रहे हैं। तो जब दोस्तों टॉपर्स को हिंदी और SA मिला के 200 से ज्यादा मार्क्स नहीं आ रहे हैं, यानी हम लोग औसत मान के चलते हैं कि आप या हम मैक्सिमम कितना स्कोर कर सकते हैं, 200। कुछ लोग एक्सेप्शनल होंगे जो अपने आप को मान के चलते होंगे, नहीं नहीं यार वो SA में 110 पा जाएंगे, हिंदी में 110 पा जाएंगे, वो लोग अपने आप को 220 रख लें। बट मैं एवरेज मान के चल रहा हूं कि आप लोग में से 95% लोग 200 के लायक हैं। तो चलिए अब मैं 200 पे आता हूं, चर्चा करता हूं। आप सपोज आप 200 यहां भी पा गए, ठीक है, आप बहुत अच्छे पढ़ने में आप 200 मार्क्स पा गए। आइए दोस्तों थोड़ा सा हम लोग ऊपर ध्यान देते हैं। अब सोचिए थोड़ा, आइए थोड़ा सा, मैथमेटिक्स मेरी बहुत अच्छी नहीं है, मिल के हम लोग देखते हैं कि दोनों लोग की मैथमेटिक्स कैसी है। आप सोचिए
कि एसडीएम का कट ऑफ, मैं ऊपर की बात कर रहा हूं और मैं जनरल कैटेगरी के हिसाब से बोल रहा हूं, आप लोग कैटेगरी में भी होंगे तो अपना टारगेट जनरल कैटेगरी के हिसाब से सेट करिए। अब देखिए कि कट ऑफ गया एसडीएम का 952 मार्क्स और आप जो ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स हैं उसमें आप मैक्सिमम ऑप्शनल में कितना स्कोर कर रहे हैं दोस्तों, 245 मार्क्स, 245 मार्क्स, और जो एसए और हिंदी है उसको मिला के 200 मार्क्स, यानी ओवरऑल आप कितने पा रहे हैं, 445 मार्क्स, 445 मार्क्स। चलिए दोस्तों मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोग का इंटरव्यू बहुत अच्छा जाएगा, इंटरव्यू बहुत अच्छा भी आप लोग जितने भी लोग का 10 लोग का रिजल्ट तो कम से कम हम ही लोग शेयर किए हैं, आप देखेंगे तो एवरेज 60-55 जा रहा है, बट मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको 62 नंबर इंटरव्यू में भी मिल जाता है, 100 में से आपको इंटरव्यू में 62 नंबर मिल जाता है। चलिए मैं जानता हूं कि आप बहुत अच्छा इंटरव्यू देके आए और आपको 62 नंबर मिल गया, 62% नंबर इंटरव्यू में मिल गया, आप इतना अच्छा आपको मान के चले, ऑप्शन में 245 मान लिए, हिंदी और एसए में 200 मान लिए और इंटरव्यू में आपको 62 मार्क्स मान लिए। अब सोचिए आप जब घटाएंगे 952 में से इन दो और इसमें से आप 445 और 62 घटाएंगे तो आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, आपको 445 मार्क्स आ रहे हैं, आप घटा के चेक कर लीजिए। यानी जिन दोस्तों को लग रहा है कि वो ऑप्शनल में 245 पा ही जाएंगे, जो कि मेरा मानना है कि टॉपर्स के बराबर मार्क्स, मतलब 2-4-10 को छोड़ दीजिए तो बहुत कंडीशन नहीं होती है 245 पाने की, आप लोग मार्क्स उठा के देखिए ना, आपको लग जाएगा यार ऑप्शनल में 245 कैसे जा रहे हैं। तो जिन दोस्तों को लग रहा है नहीं वो 245 पा ही जाएंगे, उससे भी अधिक स्कोर कर देंगे, वो इस 445 में से थोड़ा और माइनस कर लेंगे। जिनको लगता है नहीं वो ऑप्शनल में 245 नहीं पा पाएंगे, वो इस 445 में थोड़ा और प्लस कर लेंगे, थोड़ा और प्लस कर लेंगे। जिन दोस्तों को लग रहा है कि यार वो 200 को 220 पहुंचा देंगे, वो चलिए 445 में थोड़ा और माइनस कर लो। जिनको लग रहा है नहीं वो 200 नहीं पहुंच पाएंगे, वो थोड़ा और प्लस कर ले। यानी आप मान के चलिए आपको कम से कम 445 से 450 नंबर जीएस में लाना ही लाना होगा। आपको कोई पोस्ट पाना है, एसडीएम नहीं दोस्तों, बीडीओ भी आपको बनना है, नायब तहसीलदार भी आपको बनना है, तो इतनी की स्कोर आपको करना ही करना है। 445 का मतलब क्या है दोस्तों, कि जीएस के पर जीएस के पेपर में आपको 110-115 मार्क्स लाना होगा अच्छे पोस्ट पाने के लिए, बल्कि मैं तो बोलता हूं पीसीएस में सेलेक्ट होने के लिए। अब आप सोचिए कि क्या वो दौर है कि मेंस भी घटना चक्र याद करके निकल जाएगा। आज भी मैं कह रहा हूं आप लोग से कि पीटी पे अगर आप लोग घटना चक्र फोकस्ड हैं तो पीटी आज भी आप लोग का उस घटना चक्र के दम पे निकलेगा, मेरे से लिख के ले लीजिए कहीं। लेकिन आज भी दोस्तों अब वो ट्रेंड चला गया कि घटना चक्र की मुख्य परीक्षा निकल जाएगी, कोई तुक नहीं बैठता कि घटना चक्र आपका मेंस एग्जाम निकलवा दे। मेंस एग्जाम आपका तब निकलेगा जब आप रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं, किस पे, आंसर राइटिंग पे, वरना रोना रोते रहिए कि हिंदी मीडियम का ऐसा और हिंदी मीडियम का वैसा। आपको आंसर राइटिंग करनी ही करनी होगी, आपको आंसर राइटिंग करनी ही करनी होगी। आप यूट्यूब प्लेटफॉर्म्स देख जाइए, किसी भी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे अगर गौरव सर से बेहतर किसी ने आंसर राइटिंग कराई होगी तो मेरा नाम नहीं है कोई, मतलब आप खुद एक बार चेक करिए जितनी बेहतर 85 क्लास गौरव सर ने आंसर राइटिंग की यूट्यूब पे ले चुके हैं, बिल्कुल फ्री और वे हिंदी मीडियम की। गौरव सर के बारे में आप लोगों से मैक्सिमम लोग जान रहे होंगे, इतना ही जान जाइए कि गौरव सर ने हिंदी मीडियम से अपने 22 वर्ष की उम्र में इंटरव्यू दिया है, ठीक है, वो उनका सेकेंड अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट में भी उन्होंने यूपीएससी का मेंस लिखा था, सेकेंड अटेम्प्ट में उनकी इंटरव्यू कॉल हुई है, केवल 17 मार्क्स से उनकी ओवरऑल रिजल्ट रुकी है। एथिक्स में उनके 131 मार्क्स आए हुए हैं। तो ऐसा बंदा आपको आंसर राइटिंग यूट्यूब पे करवाया हुआ है, आप लोग उसका लाभ ले ही नहीं रहे हैं। मेरी एक ही रिक्वेस्ट है आप लोग से, उस क्लास को आप लोग ज्यादा से ज्यादा लीजिए। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि आप हमारा नियमित जो रेगुलर आंसर राइटिंग बैच है आप उसको ज्वाइन करिए, मेरे कहने का मतलब ये है आप लोग रेगुलर आंसर राइटिंग करिए, आप लोग कहीं करिए। आप लोग को लगता है कि हम लोग लास्ट में जाकर टेस्ट ज्वाइन करके एग्जाम को बीट कर देंगे, यार ऐसा नहीं होता है। लास्ट मोमेंट पे आप कभी भी टेस्ट सीरीज के दम पे मेंस नहीं बीट कर पाओगे। अब का जो फेज है, मेरे से लिख के ले लो, 2018 से नीति और रणनीति दोनों बदलनी होगी। 2018 से अगर यूपीएससी ने अपनी पॉलिसी बदल दी है तो आपको भी अपनी स्ट्रेटजी पढ़ने की बदलनी ही होगी।
रेगुलर टाइम टेबल में अपने आंसर राइटिंग को शामिल करना ही करना होगा। उस क्वालिटी को, उस आंसर राइटिंग को आपको किसी ना तो किसी अच्छे टीचर से चेक कराना ही कराना होगा। दोस्तों, मेरा एकदम ये कहना नहीं है कि आप यूपीएससी हिंदी का आंसर राइटिंग ज्वाइन करिए। मेरा चूंकि हम लोग आंसर राइटिंग कराते हैं, तो बस मेरा एक सुझाव है कि हम लोग चूंकि कराते हैं डेली बेसिस पे, आप चाहिए तो हमसे जुड़ सकते हैं। 15 लोग आप देखेंगे कि मेंस का एग्जाम हमारे साथ 2019 में लिखे थे, इनमें से 4 लोग की इंटरव्यू कॉल आई है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि चारों सेलेक्ट हो जाएंगे, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि चारों का सिलेक्शन हम लोग के दम पे हुआ है, पर इतना मेरा एकदम मानना है कि इन 4 ने मेरे साथ जो आंसर राइटिंग की है, समय के साथ उन्होंने अपनी कॉपी चेक कराई है, इनकी क्वालिटी में सुधार हो रहा था। जो नियमित 2 क्वेश्चन है उनके दम पे इनका चयन थोड़ी ना हुआ है, निश्चित तौर पर इनका चयन इनकी मेहनत के ही दम पे हुआ है, जो रेगुलर बेसिस पे इन्होंने आंसर राइटिंग की है। हम लोग का कंट्रीब्यूशन इसमें बहुत सीमित था, पर जो भी था इन लोगों ने अपना रिजल्ट दिया, इसलिए इन लोगों को थैंक यू। मेरा एक ही बात मानना है दोस्तों, आप लोग के पास हम लोग सारा क्रिटिकल जो एनालिसिस है इस रिजल्ट का रख दिया है। इस बार ध्यान देंगे मेरे दोस्तों, इस बार ध्यान ये देना है कि एसडीएम की 100+120 के करीब में सीट थी, तब एसडीएम की कट ऑफ कितनी गई है, 952। आप समझ के रख जाइए कि जब कट ऑफ, जब सीट कम आएगी एसडीएम की, तो ये कट ऑफ कहां भागेगी मेंस की। आपको फाइट करेंगे अब यूपीएससी वाले। अगर आप आंसर राइटिंग नहीं कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि यार हम ऐसे ही पीसेस बन जाएंगे, तो अब लिख के ले लो मेरे से, नहीं होना है, नहीं होना है, क्योंकि आपको फाइट अब यूपीएससी वालों को करना है। यूपीएससी वाले अगर मेहनत करके पीटी निकाल दे रहे हैं, तो मेंस में पीसीएस वाले उनका तोड़ है ही नहीं, कोई विकल्प ही नहीं है कि पीसीएस वाले उनके तोड़ हो। अब मेरे से लिख लीजिए, जो 2017 तक के चयनित लोग हैं, जो पीसीएस में सिलेक्टेड है, उन लोग से मेंस निकल नहीं रहा है। ऐसे मेरे नॉलेज में 10 से ऊपर लोग हैं। ये एग्जाम की डिमांड हो चुकी है, और आप लोग को लगता है कि विदाउट आंसर राइटिंग एग्जाम में सिलेक्शन मिलेगा। कई सारी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जो फ्री में भी आपको क्वेश्चंस दे देती हैं, आप जरूर लिखिए उनका, लिखिए। मेरा एक ही मानना है कि जीएस की आंसर राइटिंग कम से कम 4। आपको देखिए, एक 2015 बैच के भैया थे और सीनियर है हम लोग के, बहुत अच्छे दोस्त भी हमारे, आशुतोष कुमार राय। 2015 में इनकी यूपीएससी में रैंक आई थी 2015 या 16 की, आप लोग देख लेंगे, 500 रैंक इनकी आई थी और इनके 280 के करीब में मार्क्स थे हिंदी लिटरेचर में। आशुतोष राय इनका नाम था, चौथी अटेम्प्ट इनकी थी। उसी 2016 के पीसीएस में इनको 6 रैंक मिली थी, और अभी रिसेंट में ये घोसी के एसडीएम भी थे। अभी इनका ट्रांसफर किया गया है, बट इसके पहले इनकी पोस्टिंग यहीं घोसी के मऊ में थी। ये हम लोग से खुद भी कहा करते थे कि निशांत भाई, जिसने 4 आंसर राइटिंग डेली की ना, रिजल्ट उसका है, रिजल्ट घोटने वाले का नहीं है, रिजल्ट उसका है जो नियमित तौर पर 4 आंसर राइटिंग कम से कम कर रहा है। तो दोस्तों, कुल मिला जुला के आपको बस ये बताना था कि आप अपनी मेंस की स्ट्रेटजी तैयार कैसे करिए। मेरा थोड़ा भी ऐसा कुछ आपको डराना सताना ऐसा कुछ विचार नहीं था। आपके सामने सारा चीज रख दिया गया है, डिसीजन आपका है, आप अपनी तैयारी किस रास्ते पर लेके जा सकते हैं। हम लोग से जितना सहयोग होगा, गौरव सर के जो भी मेंस के प्रॉपर नोट्स हैं वो हम अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिए हैं, आप लोग उसका लाभ जरूर वहां से ले लीजिए। और भी जो हमसे मदद हो सके, आप लोग हमको 9731143850 इस पर कॉल करके, मैसेज करके, आप हमसे, व्हाट्सएप है ये, यही टेलीग्राम नंबर भी है, कॉल भी आप लोग कर सकते हैं। जो भी जानकारी लेनी दोस्तों आप ले लीजिए, जैसा भी हम लोग के पास सोर्स होगा आपकी मदद करने का, आपकी मदद जरूर की जाएगी। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी और मुद्दे के साथ।